तो हे गाइस, आज है मेरे भाई की शादी। आज है 6 तारीख। मैंने जैसे आपको बताया था कि शादी वाला ब्लॉग भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। आज है 6 तारीख, दिन के 1 बज रहे हैं। अभी सब खाना खाने गए हुए हैं। मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ, बाद में ढोल वगैरह आ जाएंगे तो स्टार्टिंग नहीं कर पाऊंगा। पिछली वीडियो पे 500 व्यू होने वाले हैं। थैंक यू सबका, सबको इतना प्यार दिया आपने वीडियो पे, सबने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, सबका रिप्लाई करूंगा, एक बार शादी से निपटा लूँ। सब बोल रहे थे भाई अपने कमेंट का रिप्लाई नहीं करा। तो भाई सब लोग खाना खाने गए हुए हैं। अभी हम मैं होटल के रूम में रुका हुआ हूँ। तो अब शाम का व्लॉग जैसे भी होएगा आप देख लेना, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। तो चलो देखते हैं। तो सारे खाना खाने गए हुए हैं। अब मैं आपको सबसे एक एक करके मिलवाता हूँ। आज पूरी फैमिली आई हुई है, मैं सबसे मिलवाना चाहता हूँ आपको। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैं एक एक करके आपको सबसे मिलवाऊंगा। ये हमारे अमन भाई आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ भाई हेलो कर दो। यहाँ स्वामी बहन आई हुई है। हेलो, यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। ये नानी बैठी हुई है, यहाँ पे सब तो बैठे हुए हैं। ये री मौसी, ये री मम्मी। चुप कर बे कुत्ते। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। चार बज गए और मैंने आपको बताया था कि बहुत फन होने वाला है यार। फन के चक्कर में मैं व्लॉग करना भूल गया। मैं रेडी हुआ, मैंने वो भी नहीं दिखाया मैं रेडी कैसे हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पूरा रेडी हो गया हूँ। कोट पहन लिया है मैंने। चलो चलो चलो, सारे भाई रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ भाई, भाई भी रेडी हो चुका है। कमरा एकदम फैला पड़ा है। ये वाला भाई भी रेडी हो रहा है। बाकी सब रेडी होकर नीचे जा चुके हैं। मैं व्लॉग नहीं कर पाया, भूल गया। कोई नहीं, मैं अब और दिखाता हूँ आपको नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब हो चुकी है, डांस वगैरह हम सब ने कर लिया है। मंदिर की फुटेज थी वो मैंने गया नहीं अंदर, हम बाहर ही फोटोग्राफी कर रहे थे। ओके, फिर वहाँ जाके आपसे बात करेंगे। वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए धर्मशाला बुक कर रखी है। धर्मशाला में हम थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद शादी का सारा प्रोग्राम है। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, व्लॉग में बने रहा है, स्किप मत करना कोई भी पार्ट। हम यहाँ हम रेस्ट के लिए रुके हैं, उसके बाद यहाँ से हमारी फिर से घुड़चड़ी होगी। ये दूल्हे राजा बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब सारे यहाँ पे खाना पीना नाश्ता होता सबका हो गया है, सबने खाना कोल्ड ड्रिंक वगैरह। मैं इससे पूछ रहा हूँ, इसके इसके मोटापे का राज पूछ रहा हूँ। खाना नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, ओनली पिज्जा पिज्जा बर्गर खाना, या फिर मम्मा कुछ अच्छा बना दो। घुड़चड़ी के लिए रेडी हो चुके हैं। मेरा यहाँ पेपर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं सबकी शक्लें दिखा दूँ, सबने पगड़ी बनवा ली है, मैंने ही पगड़ी बनवाई है।
भाई जैसा कि आपने व्लॉग में अभी तक देखा, हमने एंट्री वगैरह सब ले लिया है। उन्होंने बहुत गंदा कर दिया, हमारे ऊपर स्प्रे डाला, हमारे ऊपर वो जो पेपर वाले बम होते हैं वो फोड़े। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भाई जयमाला हो गया है खत्म, अभी लगने वाली है खाने की टेबल। ये खाने की टेबल लग चुकी है, अब मैं इस पे दिखाऊंगा आपको फन। जयमाला मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं खाने पीने चला गया था। बड़ा हरामी हो बेटा। तो हे गाइस, आई होप ये आपको व्लॉग पसंद आया होगा। हाँ मुझे पता है ये थोड़ा बड़ा व्लॉग है, शादी का व्लॉग है यार, बड़ा होना तो आम बात है। रात को मैं 4 बजे आए थे, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। 4 बजे आए थे, मैं शूट नहीं कर पाया, ज़्यादातर पार्ट में शूट नहीं कर पाया, फिर भी मैंने जितना शूट करा मैंने आपको दिखाया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और 13 और 14 तारीख को अब मैं व्लॉग बनाऊंगा, उस दिन बहुत स्पेशल डे है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, सस्पेंस ख़राब नहीं करूंगा। तो बने रहे मेरे व्लॉग में,